हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को कई सारे डाउट्स हैं जो कि मेरा चैनल है वो लॉकडाउन के अंदर मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर मैं आपको यूट्यूब के दो अपडेट के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपका जो चैनल वो पहले से मोनेटाइज है तब भी आपको यहां पर ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है, और अगर आपका चैनल है वो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, अंडर रिव्यू में चल रहा है, और इस टाइम पर आपका चैनल वो मोनेटाइज होगा कि नहीं, तो सारे डाउट्स यहां पर मैं आप लोग के क्लियर करने वाला हूं। वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस जो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं उन लोगों के जिनके चैनल पहले से मोनेटाइज है। तो फ्रेंड्स, वहां पर आप लोगों को कई सारे प्रॉब्लम्स अभी भी देखने को मिल रहे होंगे कि जिनके चैनल मोनेटाइज है वो क्या है, इस वायरस के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, अब वीडियोस बना रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर वीडियो में अगर आप सही से नॉलेज दे रहे हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो आपकी जो वीडियो है तब भी आपकी आप जैसे उसे पब्लिश करोगे तो वहां पर आपको उस पर ग्रीन डॉलर की जगह येलो डॉलर देखने को मिलता है। उसके लिए आपको उसका वीडियो के लिए आपको पहले से उसमें मैनुअल अपील करनी पड़ेगी, और जैसे ही आप उसे अपील करोगे तो वहां पर आपका ग्रीन डॉलर हो जाए, उसके बाद में आप उसे नॉर्मली पब्लिश कर दीजिए और उससे आपकी यूट्यूब की अर्निंग हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर मैं बात करूं कि अगर आप उस पर आप लोगों को पहले एक कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि यूट्यूब का अपडेट आया था जिसमें सेल्फ सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेशन का, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आपको आई कार्ड में उसका लिंक देखने को मिल रहा होगा, और उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप मतलब खुद से, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप खुद से कैसे अपनी वीडियोज को ही मतलब खुद से रेटिंग दे सकते हो और उस पर ग्रीन डॉलर कर सकते हो येलो डॉलर की, जैसे कि आप अपलोड करो तो येलो डॉलर आता है और खुद से आप उसे रेटिंग देकर कैसे ग्रीन डॉलर में चेंज कर सकते हो। तो वो भी वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा, और उस अपडेट से भी आप मतलब अपना जो वीडियो है उसे ग्रीन डॉलर में कर सकते हो और फिर आपको यूट्यूब से अर्निंग हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग एक चीज मैं कंफर्म कर देता हूं, अगर आप मतलब ऐसी वीडियोस बनाते हो जो कि नॉलेजेबल नहीं है और उसमें आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है ज्यादा अर्निंग के चक्कर में, मतलब लोग कई करते हैं ऐसा, तो फ्रेंड्स अगर आपने ऐसा दिया है गलत बताया अपनी वीडियोस में तो यूट्यूब क्या करेगा, आपकी वीडियोस को डिलीट भी कर देगा, उस वीडियो को डीमोनेटाइज भी कर देगा। और अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो ऐसा मत करिएगा। अगर आपका चैनल है वो अगर मतलब डीमोनेटाइज हो गया तो फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना है। तो यहां पर आप लोगों के सारे डाउट्स इस मतलब मोनेटाइज वालों को क्लियर हो गए होंगे। और अगर मैं बात करूं अर्निंग की, तो फ्रेंड्स कई लोगों के मन में अभी भी ये भी डाउट है कि यहां पर जो उनकी यूट्यूब की अर्निंग हो रही है वो उनको नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं, कई सारे यूट्यूबर हैं जिनकी अर्निंग रुकी हुई है जो कि थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है लॉकडाउन की वजह से जो यूट्यूब के एम्प्लॉई हैं वो घर पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और उस वजह से यहां पर धीरे धीरे सब चीजों को मतलब कवर कर रहा है यूट्यूब, काम कर रहे हैं वो घर पर बैठ के, पर लेकिन यहां पर यूट्यूब की जब तक ऑफिस में वो नहीं पहुंचते तब तक मतलब काम फास्ट नहीं होगा, और यहां की आपकी अर्निंग है वो डिले हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर कई सारे बड़े यूट्यूबर हैं उनकी भी डिले हो रही है, और वो मतलब अगर इस महीने आपको नहीं मिल रही है तो वो अगले महीने या उससे भी अगले महीने आपको इकट्ठी मिल जाएगी। तो टेंशन ना लें, पैनिक ना लें, और अपना यूट्यूब पर वर्क करते रहें, प्रॉपर अर्निंग आपको मिल जाएगी। अर्निंग के लिए आप वैसे भी यहां पर काम नहीं कर रहे हो, आपकी हॉबी है यूट्यूब पर, आप इसलिए अच्छी तरह से काम कर रहे हो। अब मैं बात करता हूं जिनके चैनल अंडर रिव्यू में जाने वाले हैं या फिर जिनके चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुए, तो उनके डाउट्स मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। फ्रेंड, जैसे ही आप यहां पर इस लॉकडाउन में अगर आप ऐसी वायरस रिलेटेड वीडियोस बनाते हो और उसमें आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो जो कि ज्यादा व्यूज और अपना वॉच टाइम बढ़ाने के चक्कर में, जो कि आप लोगों को पता है उसका टाइम तो काउंट नहीं होगा, जो कि उसका अपडेट आया था यूट्यूब में कि अगर आप मतलब जो कि वायरस रिलेटेड वीडियोस बनाओगे तो उसका मतलब जो व्यूअर्स हैं वो काउंट नहीं होंगे, यहां पर आप लोगों के जो वॉच टाइम है वो जरूर काउंट हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं कि अगर आप में उसमें नॉलेज में अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो फ्रेंड्स, अगर आपका चैनल वो अंडर रिव्यू में जाने वाला है जो कि आप लोगों को पता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर आप एक साल में पूरा कर ले तो उसके बाद अगर आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई करोगे अपने चैनल को, तो अगर आपने ऐसी कोई वीडियो सुनाई जिसमें गलत इन्फॉर्मेशन है और उसको यूट्यूब ने चेक किया और अगर उसमें गलत इन्फॉर्मेशन लगी, तो फ्रेंड्स आपका जो चैनल है वो मतलब अंडर रिव्यू में और भी मतलब पेंडिंग में उसको रख सकता है, जो कि एक उसको रिजेक्ट कर देगा अगर आपके चैनल को मोनेटाइजेशन को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक महीने का और टाइम मतलब एक महीने के बाद आप फिर से रीअप्लाई करते हो तो उसको और भी क्विक मतलब आपको पंक्ति में छोड़ देगा एक तरह से। मतलब बहुत सारे यूट्यूब जो कि आप लोगों को पता है अभी मतलब सब मतलब लॉकडाउन की वजह से घर हैं और यहां पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल और भी नए हो रहे हैं, जो कि कई सारी वेबसाइट है वो भी यहां पर नई नई मतलब ईजाद हो रही है, तो यहां पर आप लोगों को मतलब गलत नहीं करना है, अपने यूट्यूब पर सही सही वर्क करना है। और अगर आप मतलब
मतलब यहाँ पर लोग के यही डाउट थे कि यहाँ पर मेरा चैनल मोनेटाइज हो नहीं इस टाइम पे। तो फ्रेंड्स अगर आप अच्छी तरह से वर्क करते हो और सारा कुछ आपका जेन्युइन है तो यहाँ पर आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। टाइम जरूर लेगा, जो कि आप लोगों को पता हो जब भी ये पॉलिसी आई थी जो कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का फर्स्ट टाइम आपको एक साल में पूरा करना होता था, तब भी मतलब चैनल बहुत सारे मतलब बहुत टाइम बाद में मतलब अंडर रिव्यू में रहे थे और उसके बाद मोनेटाइज हुए थे, यानी कि 1 महीने लग गए थे या 2-2, 3-3 महीने भी लग गए थे। लेकिन यहाँ पर जैसी एम्प्लॉय वर्क करके और जो कि मैं बात करूँ तो यूट्यूब के जो एम्प्लॉय यूट्यूब पर आ जाएंगे और अच्छी तरह से मतलब आपका चैनल है वो आप लोग को एक चीज में क्लियर कर देता हूँ जो कि मशीन लर्निंग सिस्टम के द्वारा नहीं होता। यूट्यूब के जो कर्मचारी होते हैं वो एम्प्लॉय आपके चैनल को रिव्यू करते हैं और अगर आपके चैनल पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है उनको तो आपका चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाता है। तो ये सारे डाउट्स हैं यहाँ पर आप लोगों के जो क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पर मेरा चैनल है वो मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा जो कि इस टाइम पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दूंगा लगभग। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को जरूर शेयर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।